सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद की दुबई वाली प्रॉपर्टी पर जंग छिड़ गई है, जिसे लेकर अशरफ का साला सद्दाम और शबाना का बेटा आरिफ एमबीए एक दूसरे के आमने सामने आ गए। और दावा है कि अतीक इस दुबई वाली प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए अशरफ का साला सद्दाम दुबई भाग गया, क्योंकि बताया गया कि अतीक अहमद ने साबरमती जेल में रहते हुए दुबई की संपत्ति शबाना के बेटे आरिफ एमबीए के नाम कर दी थी। लेकिन सद्दाम अब इस प्रॉपर्टी को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता है। यही वजह है कि सद्दाम ने दुबई जाने का रिस्क लिया, जबकि उस पर 1 लाख रुपए का इनाम है। सूत्रों के मुताबिक शबाना का बेटा आरिफ एमबीए भी दुबई में है और सद्दाम को डर सता रहा है कि दुबई की बेशकीमती प्रॉपर्टी पर आरिफ कहीं कब्जा न जमा ले, क्योंकि सद्दाम खुद को अशरफ का उत्तराधिकारी घोषित कर चुका था। सूत्रों के मुताबिक सद्दाम के ही कहने पर अतीक अहमद ने दुबई में फ्लैट और दूसरे कारोबार में निवेश किया। अब दावा है कि सद्दाम को ये बात पच नहीं रही कि अतीक की दुबई वाली प्रॉपर्टी पर शबाना का बेटा आरिफ कैसे कब्जा कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक सद्दाम के साथ ही अशरफ का एक और साला जैद भी इस समय दुबई में है और दोनों किसी तरह अतीक की प्रॉपर्टी को हासिल करने में जुटे हैं। उधर उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी अशरफ के रिश्तेदार सद्दाम का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो में सद्दाम एक बर्थडे पार्टी में जश्न मनाता हुआ नजर आया और जो वीडियो सामने आया उसमें आरोपी सद्दाम के साथ उसका गुर्गा लल्ला गद्दी और फुरकान नबी भी दिखाई दिया। असल में उमेश पाल और दो पुलिस कर्मियों की हत्या के बाद से ही सद्दाम फरार चल रहा है, जिसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया और पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा। दावा ये किया गया कि सद्दाम देश छोड़कर दुबई फरार हो गया। इसके पहले भी सद्दाम के कई फोटो वायरल हो चुके हैं जिसमें उसके दुबई में होने का दावा किया गया। हालांकि जांच एजेंसियां इस मामले में जानकारी जुटा रही हैं। और अब बढ़ते आगे, इटली से बाढ़ की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है। कई दिनों से हो रही बारिश से कई इलाकों में जमीन खिसक गई, कुछ रिहायशी इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए, जिससे वहां रहने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भारी तबाही के बीच बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। बाढ़ में फंसे 36,000 लोगों को घर खाली कराकर उन्हें सुरक्षित जगह पर भेजा गया। इटली में तेज बारिश के बाद नदी का जल स्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया, जिससे वहां खाने पीने और बिजली जैसी कई जरूरी सुविधाएं ठप हो गई। इतना ही नहीं, बाढ़ की वजह से कई इलाकों में फसलें बर्बाद हो गई। इधर बेंगलुरु में अंडरपास में कार डूबने से एक लड़की की मौत हो गई। भारी बारिश के बाद वहां जगह जगह सड़कों पर पानी भर गया। इसी बीच 22 साल की एक लड़की अपने परिवार के साथ केआर सर्किल इलाके से गुजर रही थी, तभी उसकी कार वहां एक अंडरपास में फंस गई। लगातार हो रही बारिश की वजह से अंडरपास में पानी भर गया था, जिसमें कार डूब गई और कार में सवार लोग मदद के लिए चिल्लाने लगे, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों की मदद से दमकल कर्मियों ने अंडरपास में फंसे लोगों को बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन इस दौरान एक लड़की की मौत हो गई। वहीं इस घटना की जानकारी मिलने पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अस्पताल पहुंचे और जान गंवाने वाली लड़की के परिवार से मुलाकात की।